इराक की एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी कहती है कि इराक में एक प्रतियोगिता रखी गई। उस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट बुलाए गए। उन आर्टिस्टों का काम था कि वह खूबसूरत से खूबसूरत मूर्ति बनाए, या जो भी खूबसूरत चीज बनाई जा सकती है वो प्रतियोगिता कराई गई। दुनिया भर के आर्टिस्ट लोग आए और सबने एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई, चित्र बनाए, मूर्ति बनाई, जिससे जो खूबसूरत बन सकता था इराक के लोगों ने वो बनाया। उसके बाद राजा ने कुछ एक्सपर्ट लोग जो उन मूर्ति का, चित्रों का, प्रतिमाओं का निरीक्षण कर सकते थे कि सबसे खूबसूरत क्या है, सबसे अच्छी क्या है, कुछ विश्व के सबसे बेहतर एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया कि इनका निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई दिन निरीक्षण चला और एक एक मूर्ति का, एक एक चित्र का, एक एक प्रतिमा का एक बार नहीं, दस दस बार निरीक्षण कराया गया। आखिर में जब वो निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई और घोषणा कराई गई कि किसकी मूर्ति सबसे खूबसूरत है, तो निरीक्षण करने वाले लोगों ने सभी मूर्तियों को, एक मूर्ति नहीं सभी मूर्तियों को कहा कि एक से बढ़कर एक है। किसी भी मूर्ति को भी, किसी चित्र को भी, किसी प्रतिमा को कम नहीं आंका जा सकता, पर एक कमी है और वो एक कमी एक चित्र में नहीं, एक प्रतिमा में नहीं, एक मूर्ति में नहीं, ये एक कमी सभी में है। और हम ये एक कमी के कारण इन सब को रिजेक्ट करते हैं। तो मूर्तिकारों को, चित्रकारों को, प्रतिमा बनाने वालों को बुलाया गया कि आपकी मूर्ति बहुत खूबसूरत है, हमने जिंदगी में ऐसी मूर्ति, ऐसे चित्र, ऐसी प्रतिमाएं नहीं देखी, पर सब में एक कमी है जिसके कारण हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो मूर्तिकारों ने, चित्रकारों ने यह कहा कि खूबसूरत भी कह दिया, अच्छी भी कह दी, दुनिया में सबसे ज्यादा अद्भुत बनी है ये भी कह दिया, और इसके बाद आपने इसको एक कमी पर रिजेक्ट कर दिया। तो साहब, आप एक कमी पे पूरी खूबसूरती, पूरी की पूरी अद्भुत कला को तुमने रिजेक्ट कर दिया, पर तुमने एक बार भी ये ना सोचा कि तुम एक रिजेक्ट को, एक कमी को तुम ये कहकर रिजेक्ट कर देते कि इसमें बहुत खूबसूरती से बनाई गई मूर्ति है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई मूर्ति है, एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है, तुमने इस मूर्ति की अच्छाई के कारण तुमने इसकी एक कमी को रिजेक्ट नहीं करा, तुमने एक बुराई के कारण इसकी पूरी खूबसूरती को, इसकी पूरी अद्भुत कला को रिजेक्ट कर दिया। तो वो कर्मचारी, वो जो निरीक्षण कर रहा था, वो सोचने लगा, बात सही है कि जब एक कमी से पूरी मूर्ति रिजेक्ट की जा सकती है तो मूर्ति जितनी बेहतर है, उतनी अच्छी है, उसकी अच्छाई के कारण उसकी एक कमी को भी रिजेक्ट किया जा सकता था। आज समाज में किसी एक व्यक्ति के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, उसकी 99% अच्छाई को भुला दिया जाता है, उसके अच्छे कर्मों को, उसकी अच्छी मेहनत को भुला दिया जाता है जब वो एक गलती करता है।
और समाज एक गलती पकड़ के केवल उसके पूरे 99% जीवन को जो उसने समाज की सेवा में लगाया है वो उसको मिटा देते, रिजेक्ट कर देते हैं। पर समाज ने कभी ये ना देखा, अरे अच्छाई, उसकी अच्छी बातें 99% है, 1% बुराई को भुला दिया जाए अगर किसी में 99% अच्छाई है। तो उस समय मूर्तिकारों ने कहा, ये दुनिया में कभी भी कोई चीज पूरी 100% नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया भी 100% नहीं है कि हम कभी कभी सूर्य के लिए ललायित हो जाते हैं। जब ठंड ज्यादा होती है, सर्दी ज्यादा होती है तो सोचते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि सूर्य देवता कब निकलोगे, और जब ये सूर्य जून मई के महीने में निकलता है तो तब सोचते हैं कि सूर्य की गर्मी से कैसे बचे। कभी वर्षा के लिए आंखें आसमान की ओर टक टक देखती रहती है कब ये बरसेगा, और कभी भरी बरसात में हम लोग ये कहते हैं कि कब ये रुकेगा। हम ना तो सूर्य से पूरे पूरे सहमत है, ना वर्षा से पूरे पूरे सहमत है। तो जब हम प्रकृति से ही पूरे पूरे सहमत नहीं है तो हम इंसानों से पूरे पूरे कैसे सहमत हो सकते, और फिर अपनी बनाई चीजों से कैसे पूरे पूरे सहमत हो सकते हैं। हमें सभी के साथ एक जीवन समन्वय संतुलन बना के रहना चाहिए। अगर एक बुराई है 100 अच्छाई है तो एक बुराई को भुला देना चाहिए। नमो बुद्धाय।